हेलो गाइस, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अम्ल। और जो आज मैं आपको अम्ल बताने वाला हूँ वो अम्ल बहुत ही अच्छे से और विस्तार से बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ आज के आपको अम्ल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अम्ल क्या होता है, हम सबसे पहले बात करते हैं अम्ल क्या होता है। तो देखिए सामान्यतः अम्ल खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं। हम आपसे बात करें कि अगर जनरली हम बात करें तो जो अम्ल है वो मेरा खट्टे पदार्थ में ही पाए जाते हैं, ओके। उसके बाद अम्लों की पहचान उनके खट्टे स्वाद से होती है। क्या होता है जब भी हम कोई भी चीज को टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है ये खट्टा है, हम लोग हाँ ये अम्ल है इसमें ये खट्टा है, ठीक है, क्लियर बात है। आगे देखिए और किससे करते हैं, एक तो खट्टे स्वाद से और एक लिटमस पेपर से। क्या होता है जो मेरा लिटमस पेपर होता है उस पर अगर हम अम्ल डाल रहे तो वो कैसा कर देगा, तो वो क्या लाल कर देता है। जैसे नीला लिटमस पेपर है उस पर हम अगर अम्ल को डालें तो वो कैसा लाल कर देगा, ठीक है। तो जो लिटमस पेपर का जो प्रभाव पड़ता है, अब देखिए मैंने लिख रखा है खट्टे स्वाद तथा लिटमस के प्रभाव से, तो यानी उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है लिटमस पेपर पर अम्ल का, ठीक है। तो फिर देखिए प्रभाव से की जाती थी, ये बात हो रही है पहले के समय की, यानी की जाती थी, ठीक है, जो हमारा पिछले जो भी प्राचीन काल था उस समय सिरका ही ऐसा अम्लीय पदार्थ था। उस टाइम ज्यादा हम लोग सिर्फ किसको जानते थे, सिरका को, और किसी चीज को हमें पता नहीं था। हमें क्या पता था सिरका के बारे में, हमें पता था जो आप लोगों ने सुना होगा सिरका क्या बनता है, जब भी गुड़ बनाई जाती है उसी का जब वो रस को गर्म किया जाता है तो वहीं से क्या निकलता है सिरका हमारा, ओके। अब आगे देखिए फिर है कि नींबू इमली और सिरका आदि में खट्टा स्वाद, ठीक है, हमें पता है कि जो खट्टे स्वाद, देखिए नींबू में भी खट्टा स्वाद होता है सिरका में भी होता है, ठीक है। तो देखिए इनमें खट्टा स्वाद क्यों होता है, क्योंकि इनमें पता क्या पाया जाता है, इनमें साइट्रिक अम्ल और टाइट्रिक वो और टार्टरिक अम्ल। क्या देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, क्या होता है यहां देखिए ये साइट्रिक अम्ल फिर है टार्टरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल उपस्थित होने के कारण, किसमें उपस्थित होते हैं ये मेरे किसमें, नींबू सिरका में पाए जाते हैं, ठीक है। नींबू में साइट्रिक होता है, इमली में टार्टरिक होता है, ठीक है, और सिरका में कौन सा होता है एसिटिक अम्ल, क्लियर। ये मेरे किस में पाए जाते हैं, नींबू और सिरका में ये अम्ल उपस्थित होते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये मेरे अम्ल, इनकी जो जानकारी है किसकी, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की और एक है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। अगर हम बात करते हैं एक ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इनकी मुझे जानकारी पता कब हुई है, 11वीं शताब्दी में हमें इन अम्लों की जानकारी हुई, क्लियर। अगर हमारा कहीं से भी क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की जानकारी हमें कब प्राप्त हुई, तो ये हमें 11वीं शताब्दी में हमें इनकी जानकारी प्राप्त हुई है, खोज हुई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मेरे साइंटिस्ट थे एहर्नियम, तो देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सन 1884 में आए और उन्होंने एक अपना एक सिद्धांत दिया। देखिए एहर्नियम ने सन 1884 में आयनन सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बोला, आयनन उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, जिन्होंने क्या आयनन सिद्धांत दिया और उनके अनुसार उन्होंने ये बोला वे पदार्थ जो मेरा विलयन में हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन से क्या H+ मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्होंने ये बोला वे पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ जिसका मेरा एक विलयन बना है, एक मेरा सॉल्यूशन है और वो मुझे क्या देंगे हाइड्रोजन आयन यानी एच देंगे, वो भी प्लस का, तो देखिए यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, यहाँ एच प्लस लिख रखा है ना ब्रैकेट में, क्या करते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं वे, हाइड्रोजन आयन देते हैं वा हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई धनायन नहीं देते, मतलब कि कोई मेरा विलयन है वो मेरा कैसा है अम्ल है, ठीक, जैसे कि हमने मान लिया मेरा HCl है, ठीक, और उन्होंने क्या H+ देते हैं उसके अलावा और कोई धनायन नहीं देते हैं, देंगे पर कैसा देंगे निगेटिव में देंगे, लेकिन जो आपका प्लस में देंगे वो ओनली आपका हाइड्रोजन देंगे और कोई दूसरा नहीं देते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था, एहर्नियम ने, तो बोला था कि वह अम्ल कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए HCl है, AQ का मतलब होता है मेरा जलीय विलयन है, तो देखिए यहाँ पे हमें H+ का मिला और जो Cl मिला वो मुझे निगेटिव का मिला, देख, तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ H2SO4, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका जो H है वो देखिए यहाँ रहा, ठीक है, H+ H2SO4, यहाँ हम 2 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि H के मेरे कितने 2 मॉलिक्यूल थे ना, तो H+ और H
SO4, ठीक है, ये रहा नेगेटिव में। तो हम कह सकते हैं जिसने भी हमें दिए हैं वो सभी H हमारे कैसे हैं, सभी H हमारे प्लस के ही निकले, यानी कि धनाय निकले। ये बात किसने कही थी? एनियम ने। तो यहां से मैंने अम्ल के बारे में ये मेरी जानकारी अब आगे दी थी और बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हमने थोड़ा आगे और है, मेरा अम्ल में थोड़ा रह गया था। तो देखिए क्या है कि लेकिन हाइड्रोजन आयन या प्रोटोन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। उन्होंने ये बोला है कि जो मेरा हाइड्रोजन आयन होगा अगर वो जल में होगा तो वो मेरा स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, मतलब कि H प्लस अकेला नहीं रह सकता, बिल्कुल फ्री स्वतंत्र नहीं रह सकता। कब? जब वो मेरा किसमें होगा? लेकिन हाइड्रोजन आयन या प्रोटोन जलीय विलयन में। कैसा? जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो यह जल के अणुओं से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन, तो जो हाइड्रोनियम का जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोनियम वो होता है H3O। क्या क्या करता है ये? हाइड्रोनियम बना लेता है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएगा, जैसे कि यहां मैंने माना मेरा ये रहा H+, ठीक। एग्जांपल में देख लीजिए, अब किसमें है? जल का फॉर्मूला H2O, तो ये क्या बना लेगा? H3O+। ये क्या बन गया? ये बन गया हाइड्रोनियम। ओके गाइस, ये क्या बन गया? हाइड्रोनियम। तो जैसा उन्होंने बोला था, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं। आगे ये है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में H3O आयन देते हैं। कहने का मतलब है कि जो अम्ल है उसकी हम रिएक्शन किससे कराएंगे? जल से, यानी जलीय विलयन किसी अम्ल को जो हम जल में मिलाएंगे। तो देखिए क्या होगा, तो हमने जैसे भी एक HCl ले लिया, एग्जाम्पल के लिए क्या ले लिया? HCl ले लिया हमने। ओके, HCl+H2O। तो यहां देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले ये देखिए यहां मेरा बन जाएगा H3O और ये Cl निकल गया। देखिए आयन लिया उन्होंने H3O, ठीक है। अब ऐसे एक और ले लेते हैं HNO3, ठीक, प्लस H2O। ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ये मेरा नाइट्रिक अम्ल है। तो देखिए क्या हो जाएगा, H3O+ यहाँ NO3। ओके, ऐसे ही एक और ले लो H2SO4+H2O, यहां बचेगा मेरा H3O, ठीक, और प्लस HSO4 बचेगा या नहीं? ओके गाइस, तो देखिए आज का मेरा टॉपिक था अम्ल, जो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तैयार करवाया है। ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आप सभी लोग याद रखें कि नोट्स आप सभी लोगों को जरूर बनाना है, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी वहां से आप देख सकते हैं। जब भी आप हमारी वीडियो से पढ़ें तो आप लोग नोट करते चलें, इसलिए मैं बार बार डेफिनेशन को दोहराता भी हूँ, ठीक है। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही प्लीज सो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, ओके, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर रखें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। ओके, अपना प्यारा मैं ऐसे ही आप लोग दिखाते रहिए।